और कहीं ना कहीं कोई बड़ा उद्देश्य होगा यार। कई बार राज तिलक होते होते वनवास भी हो जाता है, लेकिन लेकिन वो किसी ना किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है। और क्या, और ये चिंता मत करना। शिवराज सिंह चौहान का एक बार फिर भावुक बयान आया है। सीहोर में एक सभा को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कभी कभी राजतिलक होते होते वनवास हो जाता है। इतना ही नहीं, शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि बीजेपी की सरकार सभी वादों सभी वचनों को पूरा करेगी। मामा के लिए आए हैं, बहनों की योजनाएं भी जारी रहेंगी और भांजे भांजियों के कल्याण में भी कोई कसर नहीं रहेगी, चाहे गरीब हो किसान हो। हमने कई तरह की बातें कही है, लाडली बहना के लिए जो कहा है वो हम करेंगे, सरकार भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि कांग्रेस की सरकार थोड़ी है, और अपनी सरकार काम करेगी। किसानों के लिए जो वचन दिए वो भी पूरे होंगे। लाडली बहनों के साथ साथ लाडली बहना आवास जैसी योजनाएं, प्रत्येक परिवार एक रोजगार, इन सब काम को नई सरकार आगे बढ़ाएगी। और कहीं ना कहीं कोई बड़ा उद्देश्य होगा यार। कई बार राज तिलक होते होते वनवास भी हो जाता है, लेकिन लेकिन वो किसी ना किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है। और क्या, और ये चिंता मत करना, मेरी जिंदगी आपके लिए है, जनता जनार्दन के लिए है, बेटा बेटियों के लिए है, मेरी बहनों के लिए है। इस धरती पर इसलिए आया हूं मैं, तुम्हारी जिंदगी से दुख दर्द दूर करने, आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा। दरअसल शिवराज सिंह चौहान अपने विधानसभा क्षेत्र बुधनी में पहुंचे थे, जहां उनको देख महिलाएं भावुक हो गई थी और रोने लगी थी। इसी की वजह से जब मंच पर शिवराज सिंह चौहान चढ़े तो वो सबको ढाढ़स बांधते नजर आए। सीहोर से नाविद जाफरी की रिपोर्ट, एमपी तक।